हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट। जिसे बनाने के लिए देखिए, इसमें मैंने तीन कलर यूज किए हुए हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं इस पार्ट्स को आपको बताऊंगी जो मैंने ये बना रखे हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाऊंगी। ऐसे ये देखिए, यहाँ से इसको ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे एक स्लिप नॉट बन गई। और इसको हम ऐसे, आप किसी भी तरीके से यहाँ पे एक नॉट लगा सकते हैं। आप देखिए, यहाँ से मैं फंदे बढ़ाना स्टार्ट करूंगी ऐसे। ये देखिए, एक फंदे से दो फंदे हो गए, पलट लिया। यहां से घुमाएंगे तो ये तीन हो जाएंगे इस तरीके से। और इस धागे को हम इसी में दबा देंगे ताकि इसमें डोरमेट्स में फिनिशिंग रहे। ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे फंदे हम बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको बनाना है। दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसको हम बुनेंगे। देखिए, दो तीन चार पाँच छ, और देखिए यहां से फिर से घुमा लेंगे ऐसे, सात। मैं आपको यहाँ पे ये सात फंदे का बता रही हूं। और ये वाला मैंने 21 फंदे का बनाया है। आप 31 का भी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें, जितना बड़ा करना चाहें डोरमेट, उसी हिसाब से स्क्वायर ये बना लीजिए। तो मैं देखिए, यहाँ पे मैंने सात फंदे कर लिए। अब देखिए, मैं फंदे घटाना स्टार्ट करूंगी। जब आपके जितने फंदे आपको चाहिए वो हो जाएंगे, उसके बाद एक फंदा आप उतारेंगे धागा अपने साइड। और जैसे हमने एक तरफ से एक रो में फंदा बढ़ाया, उसी तरीके से यहाँ पे मैं दो का एक करूंगी। और देखिए, ये देखिए, इधर भी दो का एक करूंगी। एक फंदे से पहले साइड का फंदा हम उतारेंगे ऐसे। ये देखिए, इस फंदे को ऐसे बना देंगे। अब पलट लेंगे इसको। देखिए, उल्टी रो में कोई फंदा नहीं हम घटाएंगे, सिर्फ एक रो में फंदा। जैसे मैं एक साइड से एक एक फंदा बढ़ा रही हूँ, उसी तरीके से एक ही रो में फंदा घटाना है आपको, तभी आपका इस तरह से ये बन के कम्प्लीट होगा। अब देखिए, फिर से एक फंदा उतार लिया धागा अपने साइड। ये देखिए, यहाँ पे दो का एक कर दिया वापस। यहाँ पे कम फंदे हैं इसलिए, ये देखिए, दो का एक फिर से कर दिया। और उल्टी रो में हम इनको ऐसे ही बुन लेंगे, एक दो और तीन। ये देखिए, तीन फंदे ये हो गए। आप देखिए, यहां से तीन का एक कर देंगे लास्ट में। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, इस तरह से ये स्क्वायर मैंने चार बनाए हैं। इस तरह से आपको भी बनाने हैं। अब देखिए, मैं इस तरह के पार्ट्स बनाऊंगी। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक नॉट लगा ली है। अब देखिए, उसी तरीके से बनाना है इसको भी ऐसे। एक फंदा बढ़ा लिया और यहां से हमने पलट लिया, इधर से एक फंदा बढ़ाया और ये वाले फंदे ऐसे बना लिए। आप देखिए, ये तीन फंदे हो गए यहाँ पे। तो हम इसमें कलर ऐड कर लेंगे ऐसे, ये ब्लैक कलर ऐड करेंगे। यहां से ऐसे घुमाते हुए इसको हम ऐड करेंगे। ये देखिए, एक फंदा इसमें ही बढ़ा लिया। इस धागे को हम ऐसे पकड़ के इसके साथ बना देंगे। ये देखिए, आप देखिए, दो दो रो इसमें हम बनाएंगे। इधर से एक फंदा बढ़ाएंगे, आप देखिए, यहां से फिर से हम ये वाला कलर लगा लेंगे और ऐसे इसको घुमाते हुए एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाना है और दो दो रो बनानी है ऐसे। पलट लिया, यहां से एक फंदा बढ़ा लेंगे फिर से। ये देखिए, आप देखिए, इस तरीके से इसमें भी दो दो रो डालते हुए मैंने यहाँ पे 21 फंदे किए हैं। उसके बाद जब ये येलो कलर की पूरी रो मैंने कर दी है, तो मैंने इन फंदों को क्लोज कर दिया है एक साथ। और देखिए, ये वाला पार्ट्स मैंने इस तरीके से बनाया है, सिर्फ इसमें रो डाली है और तरीका सेम है ये वाला। तो देखिए, यहाँ पे मैं
आप इसी तरीके से बना लीजिए, उसके बाद आप इस तरीके से सभी फंदे एक साथ क्लोज करेंगे ऐसे, तो ये हाफ बन के कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, जितना बड़ा आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं। इसको इजी है, जल्दी बनने वाला है, देखने में भी काफी अच्छा लगता है, सिंपल सा है। ये देखिए ऐसे इनको हम बना लेंगे। आप देखिए मैं ऐसे इन पार्ट्स को जोड़ूंगी, देखिए इस तरीके से इसको यहाँ पे ऐसे, ये देखिए, और ये वाला हम सेंटर में इसको ऐसे रखेंगे, और ये देखिए हाफ वाले ऐसे, और एक यहाँ पे इस तरीके से, और ऐसे देखिए इस तरीके से इसको हम पूरा बना के, आप देखिए इसको हम सिल देंगे पूरा ऐसे उल्टा रख करके इसको। ये देखिए एक मैं आपको सिल के ही बता देती हूँ, कहीं से भी आप स्टार्ट कर लीजिए। तो हम इन दोनों को ऐसे रख ले रहे हैं, साइड से आपको मिलाना है, यहाँ से बाहर साइड क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ से देखिए ऐसे, इसको आप भूल से भी सिल सकते हैं, मैं सुई धागे से सिल रही हूँ इसको। आप कोई मोटा धागा हो जो आपके पास मजबूत, उससे भी सिल सकते हैं। इनको मिलाते हुए ही सिलना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो रहा है तो आप इस तरीके से इसको पकड़ के ठीक कर लीजिए। तो हम देखिए इसको पूरा ऐसे ही सिलेंगे। ये देखिए एक पार्ट्स मैंने ऐसे सिल लिया यहाँ से, अब देखिए इस पार्ट्स को भी यहीं से जोड़ देंगे, और पूरा मैं ऐसे सिल के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।